मेरी बर्थडे भी है। हाँ तो ये भी प्लान है समझे। तभी हम लोग जा रहे थे मैरिन लाइंस को, वही मैरिन ड्राइव, इसको मैरिन लाइंस भी बोलते हैं। और वहीं पे आता है एक बीच, तो वो बीच का भी प्लान है। और साथ में मेरे आज कौन है देखिए, ये कलीम भाई, तो कलीम भाई भी साथ है और शेफ भी है साथ, लेकिन वो ज़्यादा वीडियो में नहीं आते, लेकिन कोशिश करेंगे उनको भी लाने की। तो दिन स्टार्ट हुआ देखिए मेरिन लाइन से, ये है मेरिन लाइन्स। तब एक पूरा पूरा का पूरा एक ड्राइव है और समंदर का एक प्लीजेंट सा व्यू है समझिए, तो यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो गर्मी देखिए 30 डिग्रीज है, एकदम भयानक ह्यूमिडिटी है समझिए, तो लंदन वाली फील आ रही है एकदम। हाँ भाई तो होटल में चेक इन करते ही सीधा यहाँ पे आ गए थे देखिए, तो नाश्ता करना भूल गए, मतलब भूल गए क्या, अभी तकरीबन 11 बज रहे हैं और अभी शहर खुला ही नहीं सही से, तो होटल्स भी नहीं खुले, तो लोकल्स के जैसा लुत्फ उठाने के लिए लोकल बनना ज़रूरी है। तो समझिए मरीन लाइंस के ऊपर बैठ के वड़ा और इडली खाई जा रही है, मैं नहीं सब खा रहे हैं, लोग छाव में अभी। तो यहाँ पे मास्क का केस बहुत भयानक चल रहा समझिए, बहुत भयानक मास्क का केस। जैसे हम ना बस में से उतरे, आके पूछ रहे भाई 200 निकालो, मास्क नहीं आपके मुझे पर, भाई ये क्या बात है। बाहर 30 डिग्रीज है और मुंह पे मास्क लगा के पड़ना है, हालत पूरी मतलब ख़त्म हो जा रहे समझिए। तो अभी एक फ्रप्पे लेके बैठे हुए थे समझो। और अगर आपको कपड़े लेना हो तो आप लिंक स्क्वायर मॉल भी आ सकते हैं, मतलब अभी लॉन्च ही नहीं होते वो कपड़े समझो, आपको मॉल में मिल जाएंगे, मतलब हर चीज़ भाई, मतलब हर चीज़। स्टफ़ तो ऐसा है, तो अब खुद ओरिजिनल स्टफ़ अगर आपके पास है तो आप भरोसा नहीं करना कि भाई ओरिजिनल वो है या ओरिजिनल मेरा है। तो यहाँ पे हमारे कबीर भाई बैठे हुए देखिए, चल रहा है इनका भी, कैसा है मुंबई? हाँ भाई चलना तो बहुत ज़्यादा है देखिए, यहाँ पे वो है लिंक स्क्वायर मॉल जहाँ पे आपको सारा कलेक्शन मिल जाएगा, और ये है स्टारबक्स। अगर आप ज़्यादा टाइम के वास्ते आए हो तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, ट्रेन यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैं बहुत शॉर्ट टाइम के वास्ते आया हूँ तो मैं कैब्स या फिर टैक्सीज यूज़ कर रहा हूँ। हाँ अच्छा है समझिए, रीज़नेबल नहीं बोल सकते समझो।
क्वाइट एक्सपेंसिव लेकिन टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, समझो क्विक हो जा रहा सब। तो जैसे कि दुनिया की सबसे महंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में देख चुका हूँ बकिंघम पैलेस, उसे काउंट नहीं करते क्योंकि वो पैलेस है। और ये है देखिए अंबानी का घर जो अप्रॉक्स 1 बिलियन का बोल के एस्टिमेटेड है उसका प्राइस। मैं 4 साल से सुन रहा हूँ ये बात कि वो 1 बिलियन का है, शायद उसकी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ी या नहीं बढ़ी नहीं मालूम। लेकिन सिक्योरिटी ना, मतलब द बेस्ट सिक्योरिटी इन होल इंडिया आपको अंबानी के घर के सामने मिल जाएगी। कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मतलब हर जगह एलवी गुची। अब शायद अब कैरी बैग्स भी एलवी गुची के मिलेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप ये भी देख लीजिए, तो ऐसा है किसी को थे। एक छोटे से बीच को गिरगम चौपाटी बोलते हैं इसको, तो यहाँ से एक ब्यूटीफुल स्काईलाइन दिखता समझिए, जैसे मेरिन ड्राइव से दिखता वैसे यहाँ से भी दिखता। The crowd on my back side, bro. एक छोटा सा बीच है यहाँ का, सोचो इमेजिन जुहू कैसा होगा, मतलब मैस पूरा। तो अभी वो देख लिए, अभी वापस सोचना है कि भाई कहाँ जाना है, क्योंकि I don't know कि भाई नाइट में करना क्या है मुंबई में। शायद मेरी आवाज़ सुनी नहीं आ रही होगी, लेकिन हाँ भाई अभी तो मैं जा रहा हूँ ताज होटल के पास, ये नाइट व्यू ताज होटल का कैप्चर करना है, और कल मैं आपको बताऊंगा ताज होटल के अंदर, मतलब अंदर। खैर मेरे पीछे है ताज होटल, और एक रात का प्राइस 21,000 है, मतलब स्टार्टिंग प्राइस। बहुत खूबसूरत है, मतलब वर्थी है समझिए इसमें जाना। और ये है ताज प्लैटिनम, ये नहीं है समझिए कंपेयर टू दिस। तो बर्थडे का प्लान इसमें है भाई, इंशाल्लाह कल है वो।